गुड मॉर्निंग क्लास. आज टुडेज टॉपिक इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. टुडे वी लर्न अबाउट द टॉपिक न्यूट्रिशन. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स? न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी एंड अदर विटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ. न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, फूड जो है वो कन्वर्ट होता है एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स में जो हमारी लाइफ के लिए रिक्वायर्ड है. मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स. प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. प्लांट ही कैसे ओनली ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड जो है खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल का यूज़ करके. द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज़ H2O. हेयर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन मॉलिक्यूल्स आर ऑक्सीजन आर कम्बाइंड टुगेदर एंड फॉर्म वाटर. एंड इन कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. हेयर वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर कम्बाइंड टुगेदर एंड मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड. The raw materials are present in their surroundings. The nutrients enable living organism to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life process. The nutrients enable living organism to build their bodies. जो nutrients होता है उससे क्या होता है, living organism से जो उनकी bodies होती है उसको बिल्ड करने में, बनने में हेल्प मिलता है. टू ग्रो करने में, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज. अगर किसी भी बॉडी का कोई भी पार्ट अगर डैमेज हो गया है तो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, उसको रिपेयर करने में, उसको हील करने में जो है हेल्प करते हैं. प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस. जो लाइफ की पूरी जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट करने के लिए हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जो एसेंशियल नीड है हमारी बॉडी की. वो किससे फुलफ़िल होती है, न्यूट्रिएंट्स के थ्रू फुलफ़िल होती है. विच आर वी आर टेकन इट फ्रॉम आर फूड. न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड होता है जिसमें हम जो भी फूड या फिर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो फूड टेक करते हैं वो जो है हमारी बॉडी उसका यूटिलाइज करती है. The mode of nutrition in which organism make food themselves from simple substance is called autotrophic. यानी कि ऐसे the mode of nutrition, ऐसा nutrition का mode जिसमें क्या होता है, organisms जो हैं, ऐसे organisms जो अपना जो food है वो खुद से बनाते हैं और simple substance का use करते हुए, उनको हम क्या बोलते हैं, autotrophic बोलते हैं. The word autotrophic means, auto means होता है self and trophos means होता है nourishment. That means जो खुद का नॉरिशमेंट करते हैं सेल्फ से उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, यानी कि स्वयंपोषी. जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं इसीलिए उनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं. एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स. एनिमल और मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स या तो रेडीमेड फूड जो प्रिपेयर होता है उसको लेते हैं या फिर फूड प्लांट्स के द्वारा जो है जो प्रिपेयर फूड होता है लाइक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, सो हम उसको एज इट इज़ टेक करते हैं. तो इसलिए जो है हमें उन ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है, हेटरोट्रॉफ्स बोलता है. वी आर आल्सो हेटरोट्रॉफ्स बिकॉज वी आर टेक फूड बट नॉट मेड फूड. वी आर कुक फूड ओनली, नॉट मेड फूड. सो the word heterotrophs means other, that means animals, ऐसे animals जो others पर dependent होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, heterotrophs बोलते हैं. Here are some questions are given. Define the term nutrients. Nutrition, this is nutrition. And what is the processing of nutrients in living organism? The second question are defined here. You can read it carefully and then answer it. Define the term autotrophic, autotrophs and heterotrophs.
सो क्लास थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.